मुख मैथुन के विषय में यही बताया गया है कि यह केवल नपुंसक लोगों के लिए अधिक संभोग आनंद के द्वार खोलता है। बात वास्तव में बड़ी विचित्र सी लगती है। बात ऐसे युग से अब हम सैकड़ों वर्ष आगे आ चुके हैं, तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि बात्यासन से भी लोग बहुत आगे आ चुके हैं। पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव के कारण कामंगों को चूमना चाटना तो एक आम खेल हो गया है। जो द्वार केवल नपुंसक लोगों के लिए खोले गए थे, आज वही द्वार आम आदमी के लिए खोल दिए गए हैं। संभोग में एक नई ही परंपरा ने जन्म ले लिया है। नपुंसक ना होते हुए भी लोग नपुंसक बनते जा रहे हैं, क्योंकि जब भी पुरुष नारी कामंगों को चूमेगा, उनसे खिलवाड़ करेगा, तो उसका समय से पूर्व ही स्खलित हो जाना प्राकृतिक बात है। आचार्य बातेसन का मत है कि मुखमैथुन सबसे बुरी चीज है। ऐसा करने से कुछ लोग मिर्गी रोगों के शिकार हो जाते हैं। इस प्रकार से आम आदमी की मुखमैथुन से बचना चाहिए। शारीरिक विज्ञान के विशेषज्ञों का मत है कि मिर्गी आदि जैसे अन्य रोग काम तृप्ति अधूरी रह जाने के कारण हो जाते हैं। मुखमैथुन में भी ऐसा ही होता है। आम आदमी संभोग का आनंद प्राप्त करने से पूर्व ही ठंडा होकर बैठ जाता है। इससे बातेसन का मत पूर्ण रूप से सत्य सिद्ध हो जाता है। बातासन ने नपुंसकता को दो भागों में बांटते हुए लिखा है, स्त्री रूपिणी, ऐसे प्राणी जो देखने में तो बिल्कुल नारी की भांति नजर आते हैं, नारी के सारे गुण भी उनमें होते हैं, परंतु योनि अभिकसित हो तो उसे स्त्री रूपिणी नपुंसक कहा जाता है। अब यदि पुरुष इसके साथ संभोग का आनंद स्त्री जानकर लेना चाहता है, तो उनके मुख को योनि समझकर अपना संभोग कार्य पूरा कर सकता है, किंतु जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि यह अनुचित है। पुरुषों और स्त्री रूपिणी में बहुत अंतर होता है। इनमें नारी के समान गुण तो नहीं मिलते, परंतु संभोग के इच्छुक रहते हैं। ऐसे पुरुष लोग अधिकतर अपनी भावनाओं की पूर्ति के लिए किसी न किसी ग्राहक को ढूंढ ही लेते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।